हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो कम्युनिकेशन में लास्ट में हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हो, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस क्लास, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देर वेर क्वेश्चंस इन द ईयर 2020, 2021, 2022, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बट आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, तो हम फिर भी इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सो दैट बाय चांस एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ अ मॉडल, ओके, गिवन बाय एल्बर्ट सर। तो एल्बर्ट सर ने क्या बोला इन हिज यू कैन से कम्युनिकेशन थ्योरी। ही सेड कि 7:38 और 55 का रूल होता है। तो अगर मैं 100% मानती हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन 100% है, तो कम्युनिकेशन में जो आप बोलते हो, जो आप वर्ड्स बोलते हो, उसका महत्व सिर्फ 7% तक होता है सामने वाले पे। सामने कोई भी पर्सन हो, ग्रुप हो, इंडिविजुअल हो, एनी पर्सन, ओके, आप क्या बोल रहे हो दैट इम्पैक्ट्स ओनली एंड ओनली 7% वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। बट आप कैसे बोल रहे हो, आपका वॉइस, टोन, फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें 38% तक मैटर करती है। और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका 100% कम्युनिकेशन बनाती है। तो प्लीज़ आप एक बात याद रखिएगा, ये एल्बर्ट सर ने दिया था। एल्बर्ट सर ने क्या बोला था, एक बंदा, कोई भी एक पर्सन जो बोल रहा है, उसका महत्व तब होता है या उसका इम्पैक्ट तब होता है जब उसके साथ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन यूज़ किया जाए। अगर सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता, इफ़ एनीबडी ऑफ यू आर अनअवेयर, आई विल गिव यू दिस आइडिया। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेल यू टू थिंग्स। मैं आपको दो बातें, एक बात बताऊंगी, ठीक है, दो तरीके से। दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग थिंग एंड दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ सेइंग थिंग, ठीक है। तो पहला एक तरीका है और दूसरा एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सच्ची इन्फॉर्मेशन है कि पी एच डी मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो पी एच डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पहला तरीका है ये बात बताने का, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ और आप गौर से दोनों चीज़ों को सुनिएगा। पहला आप तो सुन चुके हैं मैंने क्या बोला है, अब वही चीज़ मैं दूसरी तरीके से बताऊँगी, ओके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ यूजीसी। उन्होंने बोला है कि जो पीएचडी होता है, जो मैंडेटरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू डू असिस्टेंट प्रोफेसर, वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। अब उन्होंने मना कर दिया है कि पीएचडी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करना है ना, तो सिर्फ नेट ही काफ़ी है, आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो प्लीज़ अपने नेट के एग्जाम में फोकस कीजिए। अब अगर आप कमेंट करके बता सके तो बहुत अच्छा होगा, बट यस, आई थिंक आप सबको लगा होगा कि मैम सेकेंड वाला तरीका ज़्यादा बेटर था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले में इन्फॉर्मेशन मैंने सेम दी। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में मैंने इन्फॉर्मेशन अलग दी थी, सेकेंड वाले में अलग दी थी। नो, द इन्फॉर्मेशन वॉज कम्प्लीटली सेम। सो वॉट वॉज द डिफरेंस? द डिफरेंस वॉज, पहले वाले में मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ वर्ड्स बोल दिए, बात खत्म हो गया। बट सेकेंड वाले में मैंने अपनी वॉइस प्रॉपर यूज़ की, हैंड जेस्चर्स यूज़ किए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए, तो सेकेंड वाला आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगा। आपने गौर से सेकेंड वाले को ज़्यादा सुना होगा। तो ये क्या है, दिस इज़ द एग्जैक्ट एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, यू नीड टू रिमेंबर, आप क्या बोलते हो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, आप कैसे बोलते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है।
उससे आपका जो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फाइन, सो दिस वॉज एल्बर्ट सर का रूल, इसको हम कहते हैं 7-38-55 रूल। प्लीज़ आपको एक परसेंटेज याद रखना है, और परसेंटेज क्या डिनोट करता है, 7% इज द स्पोकन वर्ड्स, 38% वॉइस एंड टोन, 55% बॉडी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट वन। अब कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, और इसे समझाने के लिए एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो हमें मदद करता है इन कम्युनिकेशन, मतलब एनवायरनमेंट जो हमारे कम्युनिकेशन को अगर इम्पैक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, आप फिजिकली कहाँ हैं अभी। जैसे अगर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल के सामने हैं और अगर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो क्या आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल सेम रहेगा? नहीं, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जब आप अपने फ्रेंड्स के सामने बात करोगे तो आप बहुत कैजुअली बात करोगे, तू तड़ाके से बात करोगे, या शायद आप जो नॉर्मल लैंग्वेज अपने स्टूडेंट्स या अपने सॉरी फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करते हैं वही करेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। मगर अगर आप प्रिंसिपल के सामने हो तो क्या आप प्रिंसिपल को बोलोगे और दोस्त कैसे, नहीं बोल सकते ना। तो प्रिंसिपल के सामने आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली बिहेव करोगे, आपकी वॉइस थोड़ी धीरे हो जाएगी, आपका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल, कम्युनिकेशन करने का तरीका चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल लोकेशन कहाँ है। अगर आप घर पे हो तो आपका कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, बाहर हो तो कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। दैट इज फिजिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करें अगर सोशल कंटेक्स्ट की, क्या तो आप किस सोशल गैदरिंग में हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, किसी रिलेटिव की शादी में हो, ऑन डिफरेंट ओकेशंस, ऑन डिफरेंट सोशल इवेंट्स यू बिहेव एंड कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट वे। देन साइकोलॉजिकल, यस, आपकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है। जैसे कई बार आप अंदर से बहुत दुखी हो, बहुत प्रॉब्लम्स है आपको, आपका एग्जाम पास नहीं हो रहा, आपको टेंशन हो रही है फ्यूचर की, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। बट अगर आप अंदर से बहुत खुश हो, आपका कोई एग्जाम एकदम क्लियर हो गया, आपको कोई नौकरी लग गई, तो आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग हो गया। ये जो चेंज हुआ ना, ये किसी बाहरी तत्व की वजह से नहीं हुआ, किसी बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी साइकोलॉजी, आपका मूड, आपका सोच, आपका यू कैन से बिहेवियर, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन में चेंज आया। टेम्पोरल, इट्स रिलेटेड टू यू कैन से द टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन, कि उस पर्सन का मूड कैसा है। यूजुअली टेम्पर हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, इन सेंस ऑफ एंगर, कि जिस पर्सन का टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता है या जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसे हम टेम्पर कहते हैं। देन कल्चर, क्या आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हो। जैसे इंडियन कल्चर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम लोग जब भी पहली बार किसी से मिलते हैं, इट कैन बी अ मेल, फीमेल और एनी अदर पर्सन, हम यूजुअली गले नहीं लगते, हम यूजुअली हाथ भी नहीं शेक करते, हम नमस्ते करते हैं। दिस इज एन इंडियन कल्चर कंटेक्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या अमेरिका में भी सेम कम्युनिकेशन होता है? नहीं। क्या चाइना भी सेम कम्युनिकेट करता है? नहीं। एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग themselves, एंड एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो हर एक कल्चर का अपना एक तरीका होता है, तो कल्चर के हिसाब से भी आपका कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और लास्ट है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, आप दोनों के बीच में, मतलब सामने वाला पर्सन जो है और आप, अगर आप एक दूसरे को जानते हो, आपकी कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री मीन्स इट कैन बी गुड एंड बैड, मतलब वो आपका वो पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है या फ्रेंड हो सकती है, या आप उसको जानते हो या नहीं जानते, स्ट्रेंजर, उसके बेसिस पे भी कम्युनिकेशन चेंज होता है। जैसे अगर आपका फ्रेंड है तो आप बहुत कैजुअली बात करोगे, बट कोई स्ट्रेंजर है तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करोगे। तो ये क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। स्ट्रेंजर के साथ आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप
लूज टॉक नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते. अगर आप अगर आप कुछ बोल दोगे तो शायद सामने वाले को बुरा लग जाएगा. बट अगर कोई पर्सन आपका दोस्त है, 10 साल से आपकी दोस्ती है, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि इसके क्या, इसे क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ बुरी नहीं लगती. तो आप इजीली उस पर्सन को और उस कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाते हो. तो उसे हम हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट. कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट बेसिकली कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है. क्या इम्पैक्ट करता है? उसका वातावरण, उसके आसपास जो तत्व हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग 4 reasons पीपल क्यों बात करते हैं ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, और 4 S of communication, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. फाइन, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड.